नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, पूरा संसार आज कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहा, उत्सव मना रहा। हर घर में कृष्ण का अवतार बनाया जा रहा, बच्चों को और बच्चियों को राधा राधा का। तो आज के दिन पूरा संसार में लगभग सभी मंदिरों में और जहाँ कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है वहाँ पे स्पेशली जन्माष्टमी के अवसर पे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, कुछ भजन कीर्तन के साथ। तो इसी मौके पे हम आ चुके हैं जगदीशपुर के बिरला मंदिर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या नज़ारा है, यहाँ पे फाउंटेन के पास आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कुछ लोग फाउंटेन का एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे देखने के लिए बनाया गया, लोग उसमें अभी नहा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव पे बारिश भी हो गई है, पूरा ताबड़तोड़ बारिश हुई है अच्छे से, और पूरा बारिश में ये जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। अभी थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं झलक, जो बिरला मंदिर के सामने ठीक एक फाउंटेन है, फव्वारा है, उसे लोग देख रहे हैं और उसमें एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखने की बजाय लोग वहाँ पे अंदर कूद के उसमें फ़ोटो खींच रहे हैं, और कुछ लोग तो उसमें नहा भी रहे थे जो लोग भीग चुके हैं बारिश में। ये देखिए यहाँ पे लोग बड़ा हंसी खुशी के साथ अभी फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। और आजकल का समय ऐसा है कि हर एक इंसान के पास शायद मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन का लोग क्या उपयोग होता है लेकिन उसका क्या उपयोग कर रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। फ़ोटो खींचना है कुछ फ़ोटो खींचिए, लेकिन यहाँ पे लगातार पूरे पार्क में मंदिर परिसर के चारों तरफ लोग कोई सेल्फी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो बना ले। फिलहाल यहाँ का एक नियम कानून है कि आप वीडियो नहीं बना सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते। अभी परिसर में चारों तरफ देखिए क्या रौनक है, सभी पेड़ों को सजाया गया है और सामने मंदिर का शानदार नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, चारों तरफ कोने कोने पे भीड़ है। तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर परिसर की तरफ आप लोगों के बीच। यहाँ पे मंदिर के ठीक 10 से 15 कदम की दूरी पे एक फाउंटेन है जो कलरफुल लाइटों के बीच से होके फ्लोइंग करता है। तो यहाँ पे प्लांट, ये अशोक का प्लांट है, अशोक ट्री है, इसको भी डेकोरेट किया गया है। तो यहाँ पे चारों तरफ आज खुशी का माहौल है, खुशी का नज़ारा है, और यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और कृष्ण जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मंदिर के अंदर का ये नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं, ये भीड़ है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन चल रही है, और सामने आप दर्शन कीजिए श्री राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण भगवान की। तो ये तीनों प्रतिमाएं हैं और यहाँ पे अभी पूजा हो रही है और साथ में भजन कीर्तन का काम चल रहा है। जैसे कि देख सकते हैं पूरी लाइटिंग हुई है, जैसा कि भी कई लोगों से पता किया यहाँ पे कई साल के बाद इतनी भीड़ हुई, लेकिन आज बारिश के चलते बड़ा इधर उधर हो गया, लोग कुछ चले भी गए हैं, लेकिन चारों तरफ भीड़ भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ के कुछ नियम हैं, जैसे कि आप घास पे नहीं चल सकते, मोबाइल कैमरा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से यहाँ पे रोक लगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अपना फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। यहाँ पे चारों कोने पे सिक्योरिटी गार्ड है जो सभी लोग को अलर्ट कर रहे हैं। तो आज का दिन बिरला मंदिर में आप लोगों के बीच, और ऐसे में चारों तरफ अगर आप देखें तो लाइटिंग का डेकोरेशन है और अभी बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश का कहर अभी और तेज़ होने वाला है, होगा भी क्योंकि बारिश की बूंदें जो हैं तेज़ पड़ना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे फाउंटेन और पूरी जनता के साथ ये मंदिर में आज सेलिब्रेशन चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आज आप लोगों के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले और आप लोग धन्य हो, ये हमारी कामना है कि भगवान श्री कृष्ण आप लोगों को आशीर्वाद दे के आपके जीवन को उन्नत की मोड़ पे ले जाए। ये फाउंटेन एक बार फिर से, और चारों तरफ पब्लिक, फिलहाल लाइटिंग जो मंदिर के बाहर है थोड़ा से कम है, इसलिए अंधेरा दिख रहा है, और पानी भी है, अभी पैर स्लिप